नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के भक्त के लक्षणों के बारे में। भगवान शिव को देवों के देव और महादेव कहा जाता है। उनकी अनंत ऊर्जा और शक्ति को शिवी कहा जाता है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड शून्य था, तब एक विशालकाय लिंग प्रकट हुआ जिसमें अत्यंत तेजस्वी ऊर्जा धधक रही थी। शिवलिंग का प्रकट होना ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर दिया, इसलिए इस ऊर्जा को शिव शक्ति कहा जाता है और शिवलिंग को शक्ति के रूप में ही पूजा जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने दिया। भगवान शिव जी को आदि गुरु भी कहा गया है, क्योंकि वे इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। उन्होंने ही ज्ञान का उदय किया है और संसार को योग का भी ज्ञान स्वयं महादेव ने ही दिया है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण, माणिक, मोती अथवा पंच पकवान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सच्चे मन से चढ़ाए हुए एक बूंद जल से ही प्रसन्नता मिल जाती है। भोलेनाथ के भक्तों का जीवन अत्यधिक कठिनाइयों से भरा रहता है, परंतु उनका विश्वास और स्नेह उन्हें हमेशा सफलता की दिशा में ले जाता है। भक्त जब भी भगवान की शरण में जाता है, उसे महाकाल की कृपा सदैव मिलती है। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं, तो आप जानते ही होंगे कि महाकाल के भक्तों की खासियतें क्या होती हैं। उन्हें अपने जीवन में दृढ़ निष्ठा रखने की प्रेरणा मिलती है, जो कि उन्हें हर संघर्ष में सफलता की ओर ले जाती है। महाकाल के भक्त कभी भी उदार और साधारणता से परे नहीं होते। उनका जीवन सेवा, समर्पण और सहानुभूति के मूल्यों पर निर्मित होता है। भगवान शिव के भक्त क्रोध और आत्माबोध के मामले में भी बहुत सावधान रहते हैं। वे क्रोध के आवेश में किसी के प्रति असुविधा नहीं करते और समय आने पर उसे शांत करने का भी प्रयास करते हैं। इससे उनका जीवन स्थिर और समर्थन योग्य बनता है। विशेष रूप से जब कोई भक्त दूसरों के लिए जीता है, उन्हें अपने आप में महाकाल की कृपा और समर्पण का एहसास होता है। इसीलिए महाकाल के भक्तों का जीवन अन्योन्य संबंधों और समृद्धि के रूप में विकसित होता है। इन सभी गुणों के साथ महाकाल के भक्तों की सच्चाई, निर्मलता और सद्गुणों की सत्यता का भी खास महत्व होता है। उनके जीवन में सत्य का प्रमाण होता है और वे अपने वचनों के प्रति पूर्णता से निष्ठावान रहते हैं। आपके कमेंट्स और अनुभव के माध्यम से हमें यहाँ पर भी ज्ञान और अनुभवों का विस्तार होता है। अगर आपके पास भी कोई अनुभव या विचार हैं, तो कृपया हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।